अभी आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। मौसले की खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन हुदूद रायडू नगर इलाके में पिछले 15 साल से रहने वाले 50 झोपड़ियां वहां पर है। आज 7 बजे से जो बारिश शुरू हुई जिसकी वजह से ऊंचे इमारतों से रेती आकर इस झोपड़ियों को ले डूबी, जिसमें वक्त रहते कई लोग खाली कर दिए, लेकिन एक लड़का और एक आदमी दोनों उसी रेती में फंस गए। अब उनकी तलाश शुरू की। पुलिस और GHMC के अहदेदार मौके पर पहुंच के मुकामी आवाम की मदद से तलाश कर रहे हैं कि ये दोनों कहां पर दफन हुए। समझा यही जा रहा है कि दोनों की मौत हो गई, लेकिन जब तक ये लोग को ढूंढ नहीं लिया जाता तब तक ये बताना मुनासिब नहीं कि ये लोग मर चुके हैं या जिंदा। बहरहाल पुलिस की कोशिश जारी है। मुकामी आवाम का कहना है कि कई सालों से हुकूमत से मुतालिबा कर रहे हैं कि झोपड़ियों को यहाँ से हटाकर हमको मकानात दे, लेकिन सिर्फ कार्रवाई के नाम पर इनके साथ धोखा दिया जाता है। बहरहाल हुकूमत, GHMC, पुलिस, लीडर्स जब भी जागते हैं तब कोई बड़ा हादसा होता है। अगर हादसा होने से पहले ये कामों को कर दिया जाता था तो शायद किसी की जान नहीं जाती। बहरहाल देखना है हुकूमत तेलंगाना क्या कार्रवाई करती है। मोहम्मद गौस के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। बोलिए। पानी स्टार्ट हुआ जी, और बहुत थोड़ा आ रहा था, तो हम लोग ऐसी कभी हर साल थोड़ा थोड़ा आता ना समझे, मगर जैसे साल में एक प्रॉब्लम हुआ, एक बच्ची को ऐसी छुआ, वो बच्ची डूब गए तो बच्ची को मार लगा, पैर को निकाले, हम लोग मदद करे। अभी वो बच्ची को गवर्नमेंट थोड़े बहुत कितने की पैसे दे के वो बच्ची को ट्रीटमेंट को दिए, उन लोग यहाँ से चले गए। हर साल कोई ना पहले थी एक बच्ची, हर साल वैसी हो रहा। अभी क्या हुआ यहाँ पर? अभी हमारी बहन है, हमारा देवर है, हमारी बहन का दोनों को बच्चा है, हम लोग हमारे देवर बच्चे को लेके पीछे से निकल जाएंगे समझे, सामने से बहुत आ रहा था वो पानी, पीछे से निकल जाएंगे समझे, मगर हमारी बहन, हमारी बहन के बच्चे दोनों सामने थे, उन लोग अंदर थे, पीछे पीछे से निकलेंगे समझे, उन लोग समझने तक हम पूरा झोपड़ी गिर गया, ऊपर से दंदन आके पूरा गिर गया, झोपड़ी डूब गया, पूरा लेवल हो गया वहाँ पे। हमारी बहन को, हमारी बहन के बच्चे को पकड़ के खींचे हम लोग, खींचे उन लगा उधर ही छे, अभी खोद रहे कर रहे, मगर अभी मट्टी उट्टी निकाल रहे, कुछ भी नहीं मालूम हो रहा, अभी कुछ भी नहीं बोले नहीं कुछ। अभी एरिया का नाम क्या है? सिंगाड़ी कुंटा है, जहरानगर सिंगाड़ा बस्ती। तो एक ही जने है? अभी इसमें कितने जने बोल के? दो जने बोल के? 4 महीने का बच्चा है हमारा, देवर बाप बेटा। क्या नाम था वो लोग का? बाप का नाम यादुल है, बच्चे का नाम जोसफ, 4 महीने का बच्चा है। ऐसा हम लोग को गवर्नमेंट कुछ भी करो, हम लोग को ऐसा। कितने साल से रहते हैं आप लोग यहाँ पर? हम लोग 15 साल से ज्यादा गुजर, 15 साल से ऐसे झोपड़ी में रहते हैं आप लोग? 15 साल से हम लोग ऐसे रह रहे, हमको किधर किराए बनने का चांसेस नहीं है, हम लोग डेली का कूली। क्या काम करते हैं आप? हाउसकीपिंग काम करते हैं। अच्छा। हम लोग को काम करे तो पेट भरने का रहता, हम लोग को उतना पैसा नहीं है कि किराए बन सके, हम लोग को इधर कुछ भी अच्छा बन के तो भी दियो, नहीं तो ऐसा कितने जाना जाते, ऐसा साल साल में जाना जाते बोले तो हम लोग कब तक ऐसा जिंदगी जीना। आपका नाम? मेरा नाम संगीता है, मेरा बहन का हुआ ये। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।